नमस्कार, मैं आशुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं केसरगंज सीट की, केसरगंज सीट की और केसरगंज की वो लोकसभा सीट यानी उत्तर प्रदेश की वो लोकसभा सीट जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी भले ही जीत तो चुकी है लेकिन उस सीट पर जीत कर भी बीजेपी कहीं ना कहीं हार का सामना कर रही है और हार का सामना करने का मुख्य कारण है केसरगंज से मौजूदा जीते सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह। जी हाँ, करण भूषण सिंह भले ही केसरगंज की सीट से बहुमत से जीत चुके हो, बहुमत से उनके बहुमत में वोटों का जो समीकरण है वो उनके उनके पक्ष में आया हो लेकिन केसरगंज पर जो सीट समीकरण है वो पूरी तरह से बदल चुका है। केसरगंज के जो हालात है वो पूरी तरह से बदल चुके हैं और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि करण भूषण सिंह की भी गिरफ्तारी आने वाले समय में तय मानी जा रही है। इसका कारण यह है कि आपको याद दिला दें, हाल ही में ही मतगणना से पहले केसरगंज में जिस तरह से करण भूषण सिंह के काफिले ने 3 बच्चों को रौंदा था, उसमें से आपको 4 बच्चों को रौंदा था, माफ करिए, और 2 बच्चों की तो जान चली गई थी और 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि अब मौजूदा स्थिति के अनुसार उन बच्चों पर कोई भी खास किस्म का अपडेट सामने नहीं आया है, ना ही उनके स्वास्थ्य पर कोई अपडेट सामने आया है, लेकिन गरीब परिवार जो है और उन बच्चों का जो परिवार है वो कहीं ना कहीं चुप है, वो कहीं ना कहीं शांत है और शांत होने का कारण यह है कि वो इस राजनीति में अपना कोई भी कदम और इस राजनीति में कोई भी हलचल नहीं पैदा करना चाहता और ना ही करण भूषण सिंह पर किसी तरह के आरोप लगाना चाहता है, नहीं तो वही गरीब परिवार जो है वो कहीं ना कहीं पिसता नजर आएगा। ये कहना है उस पीड़ित परिवार का, ये कहना है उस बच्चे का जिस बच्चे को रौंदा गया है। अब मुद्दा ये उठता है कि केसरगंज में जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति आखिर कैसे पलटेगी और करण भूषण सिंह की गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी आखिर कब बयान देगी, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ तनुज मौजूद है। तनुज, आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, केसरगंज में देखिए स्थिति कहीं ना कहीं अनुकूल है, स्थिति इस प्रकार की है कि केसरगंज की सीट पर आने वाले समय में अगर करण भूषण सिंह सांसदी से इस्तीफा देते हैं, चाहे मजबूरन दें चाहे अपनी मर्जी से दें, उपचुनाव की स्थिति पैदा होगी, कैसा केसरगंज का समीकरण देखें? देखिए, जैसे कि आपने बोला कि क्या भारतीय जनता पार्टी जवाब दे, देखिए ना तो भारतीय जनता पार्टी ने तब जवाब दिया था जब बृजभूषण पर महिला पहलवानों ने अपने साथ यौन उत्पीड़न जैसे संगीन आरोप लगाए थे जी। और ना भारतीय जनता पार्टी ने अब इस मामले में कोई बयान दिया है जिसमें करण भूषण के ऊपर 4 लोगों को कुचलने का आरोप है जिसमें 2 बच्चों की मौके पर मौत भी हो गई थी। हालांकि देखिए 2 बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जैसे कि आपने बताया कि कोई अभी तक उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार बीजेपी पार्टी बृजभूषण शरण सिंह के सामने चुप क्यों है, बीजेपी पार्टी करण भूषण के सामने चुप क्यों है? वो बीजेपी पार्टी जो अपने आप को कहती है कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, अब हम अपने आप अंदर सक्षम है कि हम जीत दर्ज कर सकते हैं, आखिरकार वो बीजेपी पार्टी इतनी शांत होती नजर आ रही है इस मामले में? भाई मैं आपको बता दूं, इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रशासन की जो FIR थी उसमें करण भूषण का नाम तक नहीं था। वही बात अगर करण भूषण की करी जाए तो करण भूषण कहते नजर आते, जब उन्होंने एक्सीडेंट करा था, ये मामला देखिए 29 मई का था, 29 मई को जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके अगले 2 दिन बाद करण भूषण एक वीडियो जारी करते हैं जिस वीडियो में माफी मांगते नजर आते हैं, लेकिन वो ये भी कहते नजर आते हैं कि वो काफिला नहीं था, मतलब 4 गाड़ियां थी लेकिन वो उनके लिए काफिला नहीं था। देखिए गाड़ी इतनी स्पीड में थी, आप समझ सकते हैं कि जिसमें 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई तो आप समझ सकती हैं कि गाड़ी कितनी ज्यादा स्पीड थी। हालांकि देखिए इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है कि इस तरह से अगर कोई मंत्री का बेटा, कोई मंत्री अगर आकर 4 लोगों को कुचल देता है, 2 लोगों की उसमें मौके पर जान चली जाती है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती, तो बाकी शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन बीजेपी आलाकमान अभी भी शांत है, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? देखिए योगी जी की उत्तर प्रदेश में सुनी कहा जा रही है, योगी जी ने बोला था कि अयोध्या में लल्लू सिंह के लिए टिकट ना दिया जाए उसके बावजूद भी टिकट दिया गया, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को तो दरकिनार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश से। बताया जा रहा है कि 2027 में बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में होता नजर आएगा, योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, मुख्यमंत्री की गद्दी छीन ली जाएगी, तो अब योगी जी अपनी गद्दी को बचाए या फिर बीजेपी के जो नेता है उन पर एक्शन लें। और कहीं ना कहीं ये बात तो सच है जो बात बृजभूषण ने कही थी कि अगर मोदी जी ने और अमित शाह ने कह दिया कि आप इस्तीफा दे दीजिए पार्टी से, मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा, मैं उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन कोई एक्शन होता नजर नहीं आया। ऐसे में साफ है तस्वीर कि बृजभूषण के ऊपर कहीं ना कहीं केंद्र के बड़े जो नेता है, आप समझ गए होंगे, मैं नाम दोहराना नहीं चाहूंगा, उनका हाथ बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर है, उनका हाथ बृजभूषण के बेटे के ऊपर है। यही कारण रहा कि बृजभूषण का टिकट तो कटा लेकिन उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया गया, टिकट कटा सिर्फ दिखावे के लिए लेकिन टिकट परिवार में ही आ गया। तो क्या आपको ऐसा लगता है तनुज, एक सवाल और एक मुख्य सवाल रहेगा, जनता भी कहीं ना कहीं ये बात जानना चाहेगी कि बृजभूषण शरण सिंह का तो जो आप देखे कहीं ना कहीं जो उनका सपोर्ट है वो इस समय बीजेपी के जो मुख्य आप देखे चेहरे है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार, 33 सीटों पर बीजेपी का सिमट जाना, तो क्या भारतीय जनता
पार्टी केसरगंज की सीट पर जिस हिसाब का समीकरण है, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी आला कमान को पता नहीं होगा, बिल्कुल पता होगा, तो क्या वो इसीलिए बयान नहीं दे रहे या इसीलिए कोई भी एक्शन नहीं उठा रहे कि ब्रिजभूषण पर, करण भूषण की कहीं ना कहीं उनकी छवि पर एक सवाल उठ रहा है? कहीं ना कहीं आप ये देखना पड़ता है पार्टी के लिए, ठीक है कि आप उस सीट को हार जाते हैं अगर ब्रिजभूषण की बेटी को टिकट नहीं देते, लेकिन क्या आप एक सीट का सौदा दो लोगों की जिंदगी से करेंगे? क्या आप एक सीट का सौदा उन महिला पहलवानों के साथ करोगे जिन्होंने देश को सम्मान दिलाया, जिन्होंने देश के लिए कई सारे गोल्ड मेडल नाम कर दिए, सिल्वर मेडल नाम कर दिए, ब्रॉन्ज मेडल नाम कर दिए, आप उनके साथ खेल करते नजर आ रहे हैं? आप एक नेता को टिकट दे देते हैं, उसकी बेटे को टिकट दे देते हैं जिसके ऊपर संगीन मामले लगे थे, अभी देखिए कोर्ट में केस चल रहा है, आरोप तय हो चुके हैं, हालांकि अब इसमें देखिए केस चलता रहेगा, लेकिन बीजेपी पार्टी आरोप तय होने के बावजूद भी शांत नजर आ रही है। ब्रजभूषण कहता तो था कि भाई आरोप तय हो जाएंगे तो फांसी लगा लूंगा, लेकिन अब वही पलट के नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो यहाँ हमारे जो न्यायिक जो अदालत है वो कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल सही फैसला करते नजर आएंगे, और आप देखिएगा जल्द ब्रजभूषण को, उनके बेटे को जरूर सजा का ऐलान भी जरूर होगा। लेकिन तनुज, अगर आप देखें केसरगंज में जीत तो हो चुकी है करण भूषण सिंह की और सांसद पर वो बैठ चुके हैं, हालांकि उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया, उन्हें ना ही आप देखें ना ही उनको शपथ। देखिए मंत्री पद की तो यहाँ पर उम्मीद आशुति नजर ही नहीं आ रही थी, उन्हें टिकट दे दिया गया वही बड़ी बात है, क्योंकि बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि उन्हें टिकट दे दिया जाता है, ऐसे में अगर मंत्री बनाया जाता तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जो है घिरती नजर आती, और ऐसे में देखिए जो बीजेपी के दूसरे नेता है वो इस बात से नाराज है कि ब्रजभूषण की बेटी को क्यों टिकट दिया गया था, हालांकि बीजेपी की मजबूरी यहाँ बनती नजर आ रही थी, लेकिन जो बीजेपी पार्टी परिवारवाद का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाती थी वो बीजेपी पार्टी इस बात के लिए भूल गई थी कि ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देना भी परिवारवाद में आता है। लेकिन तनुज, आप देखिए ब्रजभूषण का टिकट काटना, करण भूषण सिंह को टिकट देना, अभी तक महिला पहलवानों ने इस मामले में कुछ बोला नहीं है, हालांकि आप देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह की सुनवाई तो चल बोला पर महिला पहलवानों का कोई बयान नहीं जी आशुति, बोला जाता उनकी बोलते वो है जब किसी की बात सुनी जाए, महिला पहलवानों की बात को सुना ही नहीं गया तो बार बार वो अपनी बात रखकर क्या करेंगे, अब तो वो सिर्फ अदालत से गुहार लगा रही है, बस अदालत से का इंतजार कर रही है कि हमें जो न्याय दिला सकता है वो अदालत दिला सकती है, जजेस दिला सकते हैं, भगवान दिला सकता है। अब उन्होंने केंद्र सरकार से सारी उम्मीदें छोड़ दी है, कोई उम्मीद उन्हें नजर नहीं आती है पीएम मोदी से, अमित शाह से, किसी भी नेता से, हालांकि बीजेपी पार्टी को देखिए इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए, तो बीजेपी पार्टी की बहुत बड़ी यहाँ पर मैं गलती मानता हूँ कि उन्होंने पहले ब्रजभूषण की बेटी को टिकट दिया और उसके बाद ब्रजभूषण की बेटे से इतना बड़ा कांड हो जाता है जिसमें दो लोगों की जान चली जाती है, उसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी शांत नजर आती है, ये वाकई में अपने आप में एक बड़े सवाल खड़ा करता है। चलिए अब देखना ये होगा कि केसरगंज की जो सीट है और केसरगंज का जो मौजूदा सीट समीकरण है वो आखिर आने वाले समय में कैसे पलटेगा, क्या केसरगंज की सीट पर उपचुनाव की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर कहीं ना कहीं बहुमत तो साबित कर चुके हैं और बीजेपी 33 सीटों पर कहीं ना कहीं टिकी हुई है, बीजेपी का इस मामले पर कोई बयान ना देना, बीजेपी आलाकमान की तरफ से केसरगंज की सीट पर जो पूरा मामला हुआ उस मामले में कोई भी अभी तक कोई भी औपचारिक बयान और किसी भी तरह का ऐलान सामने ना आना कहीं ना कहीं संकेत है इस बात का कि या तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी करण भूषण और ब्रजभूषण के इस मामले को दबा देगी या फिर विपक्ष इस पर अब हंगामा करते दिखाई देगा या नहीं, एक ये बहुत बड़ा सवाल अब कहीं ना कहीं खड़ा होता है। फिलहाल देखना ही है कि केसरगंज की सीट का स्थिति क्या बनती है, फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।